गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों को जैसा आप जान रहे हैं, लॉकडाउन का सीजन चल रहा था कि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। कुछ बच्चे तो लाइव क्लासेस अटेंड किए, कुछ नहीं कर पाए थे। अब समस्या ये आ रही कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो गई, पढ़ाई करें तो कैसे करें? कुछ में क्या थी, ट्रांसपोर्ट का इशू था, स्कूल नहीं आ पाए। तो अब इन सारी समस्याओं का हल है तो क्या है? अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी? अपने पास समय कम है। अगर समय अपने पास पर्याप्त होता तो हम सारी समस्याओं को वेरी वेल रिजॉल्व कर लेते। अब प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि हम सारी चीज़ों को सटीक मैनर में पढ़ें, बहुत कम समय में पूरा का पूरा रिवाइज कर डालें। उससे फ़ायदा ये होने वाला कि अगर हम सेलेक्टेबल चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 90 प्लस जाएं या फिर 99 पॉइंट तक आएँ, तो आपको सिर्फ 20 दिन का लेक्चर है और 20 मिनट का ही लेक्चर है साइंस के लिए स्पेशली। आप पर डे 20 मिनट का वीडियो देखिए और उतना ही पढ़ के जाइए। अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से आए तो आप फिर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा संभव नहीं है कि कोई क्वेश्चन बाहर से आए। जनरली हम आपके NCERT बुक पर फोकस करने वाले हैं और उसके जो मेन कंटेंट है, जहाँ से CBSE बोर्ड ने बार बार क्वेश्चन बनाए हैं, उन टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंस सुनने के बाद आपको लगता है कि मैंने पेपर बनाया है, तो ऐसा पेपर मैंने नहीं बनाया है। पेपर बनाने का जो रूल होता है वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और CBSE बोर्ड में ही आएंगे। तो आप सिर्फ 20-20 मिनट 20 दिन का टाइम निकालिए, सारे दिन एक एक चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। लास्ट में आपकी एक क्लास होगी जो कि 3 घंटे की होगी, कंटिन्यू 3 घंटे की लाइव क्लास ली जाएगी। अभी तो मैं ऑफलाइन आपको दे करके फिर अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि 3 घंटे की क्लास में आप पूरी साइंस रिवाइज करके जाएंगे और ये क्लास आपकी साइंस के जो एग्ज़ाम हैं उससे आई थिंक से जो भी एग्ज़ाम का डेट होगा 26 के आसपास डेट मिला होगा आपको, तो जो भी डेट है उस डेट से 3 दिन पहले ही कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जो कि NCERT का चैप्टर नंबर 1 है और ये केमिस्ट्री पार्ट है। ठीक है, तो जो आपके इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं भी डिस्कस कर दूंगा ओरली, बट हम मोर जो फोकस करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे करने वाले हैं जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में आने वाले हैं, मतलब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें कोई क्वेश्चन के रूप में दे दे, तो वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। आपको पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है लेक्चर के दौरान स्पीड का, या फिर कोई क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कराया गया, तो आप कमेंट में लिखिएगा। और स्टडी मटेरियल के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक ऐप मेरा है जो कि आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। उस ऐप में आपको लाइव क्लास के साथ साथ स्टडी मटेरियल, क्लास टाइमिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बोर्ड में डिक्टू आने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके कमेंट में जो भी आपको सूटेबल लगे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर गाली मत दीजिएगा, अपने को दे सकते हैं, मुझे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उस चैप्टर में जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। एक्चुअली आपने छोटे क्लास में जब पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो आपने कहा था केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज दो चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज आर सच टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज आर दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इज अ फेनोमेना। क्या है? एक ये फेनोमेना है, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, ये एक फेनोमेना है। हम आपको ओरली बताएंगे, अगर रिटर्न चाहिएगा तो भी आप ऐप पे जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको रिटर्न सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपको मेन टॉपिक्स करना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको 90 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ज़रूर ला लें। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस पहले टॉपिक्स हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब से ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमारे नए सब्सटेंस बन रहे हो नई प्रॉपर्टी के साथ, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो केमिकल रिएक्शन इज अ फेनोमेना इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। बट हाउ वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शंस आर मेनली टू टाइप्स।
वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी गई हो, सपोज कर लिए हमने बोला कि अगर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ये हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो हमारा क्या बनेगा। तो भाई हमारा जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे बनता है, आप सबको पता है, बना लेता है ये वाटर। तो हमारी हाइड्रोजन गैस बनाती है जो वाटर। अब इस वाटर को हमने लिखा इस किस फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ये सब हमने किस में लिखा है, वर्ड फॉर्मेट में। अगर वर्ड फॉर्मेट में लिखा है तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया कि अगर हम जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें वर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आसान सी हैं, बहुत कठिन नहीं है, हम लोग फोकस करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर इसी रिएक्शन को हम केमिकल के सिंबल फॉर्म में लिख दें तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मीन्स हाउ वी डिफाइन, इफ वी राइट केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन इन सिंबोलिक फॉर्मेट देन वी से इट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, इफ वी राइट इन वर्ड फॉर्मेट देन वर्ड इक्वेशन। तो भैया आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में थी तो हमने लिखा H2 गैस, ऑक्सीजन सिंबल होता है आपका O2 गैस। अब हमने एरो लगाया, आप रिवर्सिबल का भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो फिजिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि वाटर आपके फिर से इसमें टूट सकता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बन के आया क्या आया, H2 मीन्स ये बैलेंस रिएक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारे दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन करने के लिए इसको बैलेंस कर दिया। और इसके बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पे भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग जब बात करेंगे तो बहुत सिंपली बैलेंस कर लेंगे, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी बैलेंसिंग में। तो आपने देखा सेम रिएक्शन को हमने दो फॉर्मेट में लिखा, एक बार हमने क्या लिखा वर्ड फॉर्मेट में, सेकेंड टाइम हमने क्या लिखा है आपके सिंबल के फॉर्मेट में, जो सिंबल वाला फॉर्मेट है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई, अगर किसी इक्वेशन को हम वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, अगर उन्हीं को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें उनके सिंबल के तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक बात आपने दिमाग में लाइए कि इन इक्वेशन में क्या डिफरेंट होगा, एक तो डिफरेंट ये मिल गया, दूसरी बात क्या है कि अगर हमारा वर्ड इक्वेशन है तो हम इसे देख करके ये नहीं पता कर सकते कि ये बैलेंस है अनबैलेंस है। देखिए अब स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट या स्टाइकियोमेट्री नहीं दिख रही। तो मेन चीज़ क्या है हमारी, अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये बैलेंस है कि नहीं ये हमें पता चल जाता है, अदरवाइज अगर हम कोई दूसरी इक्वेशन लिखते हैं तो वो बैलेंस है कि नहीं, मतलब वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में, ये हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे सिलेबस क्लास 10 तक है, जो भी रिएक्शंस हमें पढ़नी है, हमारी जो पहली टाइप्स है केमिकल रिएक्शन की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपका एक और आएगा जो कि आप उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे ही आए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगली जो आपकी रिएक्शंस होगी इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक और स्पेशल टाइप की रिएक्शन आएगी इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसके साथ पैरेलल में एक और आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। एक स्मॉल सी और आएगी जिसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। मैं इसी वीडियो में सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा, विथ एग्जांपल कर दूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है।
अब फटाफट चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आपके एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला आपने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक ही शॉर्ट फॉर्म में हम देखिए आपको फिनिश करना चाहते हैं कम समय में। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे टू अ मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बना ले, सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होंगे हमारे, एक से अधिक हो गए, रिएक्टेंट जो भी होंगे हमारे एक से अधिक होंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे अभी हमने एक ऊपर एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन गैस का, ये रिएक्ट कर रही थी ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, O2 से। फॉर्म क्या कर रहा था, 2H2O, ये स्टीम फॉर्म में फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। आप इसको सॉलिड भी लिख सकते हैं, लिक्विड भी, जनरली हम लिक्विड लिखते हैं। तो आप खुद यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्या, कि आपकी हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिंगल। देखिए एक रिएक्टेंट ये है, मतलब कि R1 R2, बट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिंगल। सो ऐसे रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसे रिएक्शंस कही जाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे में जुड़ जाना, ढेर सारे लोग को आपस में मिला करके किसी एक को बना देना, क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज कर लो ये दोनों रिएक्टेंट थे अलग अलग, हमने कोई को जोड़ दिया, तो ये जो जोड़ा, जो रिएक्शन हुई जोड़ने में, क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। एक और रिएक्शन करते हैं, उसके बाद आप फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन आती है, लेकिन उससे पहले एक और हम इसमें एग्जांपल लिखते हैं, सिर्फ आपको बताना है कमेंट में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिया, कार्बन ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर है तो आप कमेंट में यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लें। एक्चुअली आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो कितने रिएक्टेंट हैं, दो हैं, प्रोडक्ट कितने, सिंगल। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो पर प्रोडक्ट आपका एक ही बने, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आपके आंसर आ चुके होंगे, आपने मैच भी करा लिया। चलिए हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगली जो हमारी रिएक्शंस होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब क्या भैया, सब्स्ट्रैक्ट हो रहा होगा, चीज़ें कट रही होंगी इससे। दूसरी रिएक्शंस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शंस हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा होगा, तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके ढेर सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं, जो सारे एग्जांपल हम एक एक करके यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट कर दें, तो ये क्या होगा, आफ्टर हीटिंग टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। भैया ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो आप इस रिएक्शन से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे प्रोडक्ट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं। ये चीज़ें जो एरो से बिफोर में होती क्या होती हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्ट। तो कितने प्रोडक्ट भैया, आपको मिल चुका होगा आंसर, प्रोडक्ट ये भी है, प्रोडक्ट ये भी है, मतलब कि एक से अधिक प्रोडक्ट हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसको और भी एक नाम से जानते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जनरली हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के ही नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अलग सेंस आता है, इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी एक नया टर्म आता है एडिशन रिएक्शंस। तो हम जनरली पढ़ेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम में अप टू क्लास 10th, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस, इसको हम आप सब्स्टिट्यूशन बोले या फिर डीकम्पोजिशन, जनरली हम इसे क्या बोलेंगे, ये डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शंस है, क्योंकि हमारे सिंगल रिएक्टेंट्स टूट रहे हैं एक से अधिक प्रोडक्ट में। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, क्या पता आपको नया लगे,
और उसे लेकर के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन जो CBSE को बहुत ही प्यारा लगता है, AGCL, AGBR। ये भैया हमारे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड हैं जो कि आपके ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ग्रे कलर का। जब इनको हम हीट करते हैं, हीट करने का मतलब इनको हम करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में हीट, मतलब कि सनलाइट में छोड़ देते हैं। जब इनको हम सनलाइट में छोड़ देंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शंस होती है भैया, ये टूट जाते हैं Ag और प्लस में Cl2 इधर टूटेंगे Ag प्लस में Br2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि अब तक इस पे 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये रिएक्शंस किस टाइप के। तो यहाँ पर भी देखो आपके रिएक्टेंट कितने हैं, सिंगल हैं, सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे कितना है, सिंगल रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट देखो आपके दो दो बन रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लिख दिया है। अब रिएक्शन भी पूरी तरह से बैलेंस है। सारी टाइपोलॉजी ऑफ रिएक्शन के पढ़ने के बाद हम लोग बैलेंस करना भी सीखेंगे। अभी आप परेशान ना होइए, हम बैलेंस के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरी टॉपिक्स पढ़ाने में ही काफ़ी लंबा समय जाने वाला है। तो आपको क्या मिल रहा होगा भैया कि सिंगल रिएक्टेंट है, एक से अधिक प्रोडक्ट। अब ये मत कहना कि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं, दो से अधिक भी बन सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया तो आपको समझने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक से अधिक रिएक्टेंट थे बट सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ये सारे रिएक्शंस क्या हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन तो ऐसे पूछा जाएगा, पूछते हैं कि जो ग्रे कलर का सिल्वर था क्यों वाइट कलर में बदल गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ Ag। तो Ag के फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनका यूज हम, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ करते हैं इनका यूज? हम करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इनका यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में की जाती है यूज़, और दोनों की दोनों कैसी हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। चलिए एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके NCERT बुक की है। आप बताइए क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर है तो यस, अदरवाइज आप कहेंगे नो। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन बताइएगा, अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तभी, नहीं तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी तो आप कमेंट में लिखेंगे नो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब इसको हम बोलते हैं CaO प्लस H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, एक्टिवेटेड लाइम, और ये तो आप भाई फैमिलियर होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर, ठीक है। भैया देखो, अगर इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, हमारा कंपाउंड बन के आता CaOH होल ट्वाइस और प्लस में निकलती हीट, ठीक है। हीट से एक बात याद आई हमें, लेकिन पहले आप ये बताओ ये रिएक्शन कैसी है, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? आप ध्यान से देखिए, बताइएगा क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। अब आप ये चेक करिए, रिएक्टेंट कितने हैं, एक से अधिक, प्रोडक्ट कितना, सिंगल, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। कौन सी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे सतर्कता से वर्क कर लीजिएगा और फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने बार बार आपको इन्फॉर्म किया है कि अगर आपको क्वेश्चंस और भी चाहिए तो आप क्या करिए, एक ऐप ज्वाइन कर लीजिए जिसपे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा, PbNO3 होल ट्वाइस को अगर हम हीट करते हैं, PbNO3 फिर से लिख देते हैं लेड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, PbNO3 होल ट्वाइस को आप हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनकर आता है? एक्चुअली हमारा बन के आता 2PbO प्लस 4NO2 प्लस आई थिंक ऑक्सीजन गैस बन के आएगा। तो ये आप बताएंगे हमारे किस टाइप की रिएक्शंस है, ये आपका एडिशन रिएक्शंस है, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, आप खुद से सोच के बताइएगा, अगर आपको डाउट हो तो बताइएगा। ये देखिए, ये लेड नाइट्रेट था, इसको हमने क्या किया, हीट किया, लेड ऑक्साइड बना और आपका नाइट्रोजन NO2 बना और आपका ऑक्सीजन बना, ठीक है।
तो आप देख रहे होंगे सिंगल रिएक्टेंट है, एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया, कैसी रिएक्शंस होगी ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मींस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी ढेर सारे एग्जांपल है आयरन को लेकर के हैं, तो मैं सारे एग्जांपल डिस्कस नहीं करता क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 7 से 8 बार आया है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग टाइप से पूछते हैं कि इसका जो व्हाइट वॉशिंग होती वॉल की उस पर आधारित क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लास्ट चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैंने दो टाइप के रिएक्शंस को फिनिश कर ली हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं अगली टाइप के रिएक्शंस के लिए। चलिए, हमारी जो अगली टाइप की रिएक्शंस, इसको हम बोलते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस, डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस। भैया ये जो रिएक्शंस होगी, डिसप्लेसमेंट मतलब किसी को डिसप्लेस कर देना। कैसे हम याद करेंगे? देखो, आपने कभी मूवी सीरियल्स देखा होगा, उनमें क्या होता है, सबकी पेयरिंग होती है। अभी आप छोटे हो पर समझ लो कि सबकी पेयरिंग होती है, मतलब कि किसी की किसी से लगाव होती है, एफिनिटी होती है। लेकिन सीरियल में देखा, जब दूसरा एक्टर आता है तो वो पहले वाले को डिस्प्लेस करके खुद उससे लगाव कर लेता है, जो फीमेल एक्टर होती है। सिमिलरली हमारे मेटल में भी कंपटीशन होता है, जो मेटल हमारे अट्रैक्टिव दिखते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब स्मार्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, और जो थोड़े लुल टाइप के लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे मेटल के केस में भी होता है, जो मेटल हमारे हाईली एक्टिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो जो थोड़े लूज मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको उनके पेयर से हटा करके उनके पेयर के साथ सेटिंग बना लेते हैं। मतलब मेटल भी ऐसे करते हैं यार, हद हो गई ना। चलो, हद हो गई तो हम भी थोड़ी हद को पार करते हैं। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे यार, हाईली रिएक्टिव मेटल, थोड़ा हम शॉर्ट में लिखेंगे, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव हम फास्ट लिख रहे हैं, रिएक्टिव मेटल। आपको नोट्स चाहिए तो नोट भी मिल जाएगी, बट आप ऐप ज्वाइन करेंगे तभी नोट्स मिल पाएगी, जिसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बट अपने पास एक समस्या है यार, ये हाईली रिएक्टिव मेटल पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए हमारी बुक में एक रिएक्टिविटी टेबल दी गई है, जिस टेबल्स को अगर हम लर्न कर लें तो हमें सारे मेटल्स याद हो जाएंगे। तो आप कहोगे जब लर्न नहीं करना है तो मुझे वीडियो देखने की क्या ज़रूरत? हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि लर्न करना थोड़ा सा कठिन काम है, जिसको मैं कुछ ही सेकंड में आपको याद करा देता हूँ। चलिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल के सीरीज को याद रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो है, उसकी सीरीज को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी, देखो हम एक ट्रिक यहां लिख रहे हैं, आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे काशी, इसको लिखेंगे आप नाथ, फिर आप लिखेंगे का, फिर लिखेंगे माली, आलू, ठीक है, जरा, फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता, है मतलब हाइड्रोजन। चलो अभी याद करा देंगे आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा। फिर कौन हो आगे आओ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी ट्रिक है, जो ट्रिक का यूज करके हम सारे रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को याद कर सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा सोडियम पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सो ऑन, ऐसा आपका ऑर्डर चलता रहेगा। चलिए, याद कैसे करना भाई? के फॉर, देखो के फॉर काशी, नाथ यन ए, का सी ए, माली मा एम जी, आलू आलू ए एल, जरा जरा मतलब कि जड़े एन, जिंक, फीका एफ ई फी, फिर पकाता पी वी, है मतलब कि हाइड्रोजन,
कौन मतलब कॉपर हो मतलब मर्करी है, आगे सिल्वर आओ मतलब गोल्ड। देखो भाई एक बार की एक घटना है, कुछ लोग थे जो कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ आपस में बात कर रहे थे। जो वो काशीनाथ वाला माली है, ठीक है, जो काशीनाथ वाला माली है जो ढाबे में खाना पकाता है, उसमें आलू थोड़ा कच्चा पका देता है। तो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, पर गलती क्या हो गई उनसे, थोड़ी सी गलती हो गई। उसी दिन वो माली भी जिस रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे, किसी काम से वो भी आया था। उसने ये बात सुन ली, भाई उसकी बुराई हो रही सुन ली, तो उसने गुस्से में क्या बोला जानते हो, कौन हो आगे आओ। क्या बोला, कौन हो आगे आओ, मतलब कह रहा कौन कह रहा कि मैं आलू कच्चा पकाता हूँ फीका पकाता हूँ, थोड़ा आगे आओ मैं भी मिल लेता हूँ, चलो मैं मिलवाऊँगा आपको रिएक्शन में इन लोगों को। फिलहाल आपको याद कैसे रखना, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आप दो तीन बार लिख लेंगे, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। उसने रिप्लाई क्या कर दिया, कौन हो आगे आओ, किसमें इतनी ताकत जो हमारे खिलाफ बोल दिया। इसमें भैया एक दो रिएक्शंस घिसी पिटी हैं जो कि बार बार आती हैं, हम आपको इम्पोर्टेंट भी करते हैं और लैब एक्टिविटी में भी ये रिएक्शंस दिखाई जाती हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, इसका फार्मूला होता है CuSO4 प्लस इसमें आयरन की नेल डाल देते हैं, जो आप छोटी क्लास से पढ़ रहे होंगे। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कभी बार कभी कभी कलर भी पूछ लेते हैं, तो ब्लू इन कलर होता है, इन कलर होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, ये एक्वस होता है। ये आयरन क्या होता है, आपका ही सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इस रिएक्शंस को कराते हैं मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में क्या कर लेते हैं, आयरन को मिक्स कर देते हैं, आयरन नेल डाल दें, आयरन फिलिंग डाल दें, उसका पाउडर आता है एज अ क्रिस्टल, तो अगर डालते हैं तो हमारी रिएक्शंस क्या बनती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, जिसमें बनता है ये FeSO4+Cu। अब देखो भैया इसमें अभी हमने बताया जो एक्टर्स होते हैं हाईली अट्रैक्टिव, इसमें हाईली अट्रैक्टिव एक्टर कौन है, आयरन है। ये देखो कॉपर या इसकी शेटिंग है, इस कॉपर ने क्या किया, इसने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया होगा, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, तो इससे क्या हो गई, ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ, जब आयरन ने इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया घर के आसपास, तो ये भी क्या सोचा होगा, छोड़ो इससे पीछा छुड़ाते हैं, तो इसने बोला यार इसकी कुटाई कर दो, इससे छूट जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊंगी जैसा आप सोच रहे हो। तो इसने देखो क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जा करके इसके साथ शटिंग बना ली। तो ऐसे भाई टकरार आपके मेटल्स में भी होती हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस क्या होती है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल आयरन ने लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को क्या कर दिया, फुर्र कर दिया ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा। अब देखो ये कैसे पता चले कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो जो कॉपर है देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है यहाँ पर है और आयरन यहाँ है, देखो इनका जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना रिएक्टिविटी का, तो आयरन आपका हाईली रिएक्टिव है, इसी सीरीज से सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए एक और करते हैं, CuSO4 का ही ले लेते हैं, साथ में हम करा देते हैं एल्यूमिनियम के साथ, देखते हैं क्या होगा। भाई एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है कॉपर, तो आपका कॉपर देखो वहाँ पर है, एल्यूमिनियम यहाँ, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैंडसम बंदा, इसको क्या करेगा, फुर्र करेगा ना। तो आपका फार्मूला क्या बन के आएगा, नया वाला Al2SO4 3। अब ये बैलेंस के विहाप पे होता है, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो आप परेशान ना होइएगा, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे 3 कॉपर के Cu3 कॉपर, यहाँ से क्या हुआ, कॉपर को रिप्लेस कर दिया गया, 3 कॉपर्स निकल के आ जाएंगे, बाकी ये जो पूरी थी पार्ट इसके साथ आ जाएगी। मतलब एल्युमिनियम ने क्या किया होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू कॉपर। अच्छा कभी कभी एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी कर लेते, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिक्टू बोर्ड में आएंगे। ZnSO4 ठीक है, हमने ले लिया अगला सोल्यूशन ZnSO4, इसके साथ हमने क्या कर दिया, आयरन को मिला दिया। अब बताओ आपके दिमाग में क्या आने वाला है, सर आप एकदम सिंपल सा लिख दीजिए आंसर, FeSO4+Zn। तो ऐसा आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप आयरन को देखो भाई और ZN को देखो, तो आयरन आपके रिएक्टिविटी सीरीज में पहले या ZN आपका हाईली रिएक्टिव, खुद ही ये स्ट्रांग है, जब ये इसके घर का चक्कर लगाने आया होगा इसी की उल्टी कुटाई हो जाएगी,
मतलब बंदा स्ट्रांग है। तो जो लोग हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको लेस रिएक्टिव वाले डिस्प्लेस नहीं करते। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा नो रिएक्शंस। तो आप क्या करने वाले बोर्ड में, आपको तो आदत बन गई है ना कि आप यहाँ से जो है इसका डिस्प्लेस कर दो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बातें समझ में आ गई होंगी, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इस तसली आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे इतनी नहीं, बहुत ढेर सारी रिएक्शंस हैं, और ये जो सीरीज तैयार किया गया है ये एक्सपेरिमेंट बेस है, ये इनकी रिएक्टिविटी को चेक करके ही तैयार किया गया है लैब में। तो आप इस सीरीज के लिए लैब करते हैं फिलहाल, अब ये लैब का टाइम नहीं है क्योंकि ये तो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने डिस्प्लेसमेंट को भी फिनिश कर लिया, अब हमारी बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ने कहा सुनी है, साझेदारी हो रही है पर समझदारी से हो रही है। कैसे? सपोज कर लो ये दो दोस्त थे, ठीक है, समझना, ये दो दोस्त थे, कैसे 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 देखते हैं, ऐसे थे। एक भाई आपका रेड के साथ ब्लैक था और एक आपके ब्लू के साथ ग्रीन था। इन दोनों की पहले से सेटिंग थी, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे, एक वाले ये पेयर, एक वाले ये। फिर कुछ दिनों तक इनमें चलता रहा, ठीक से रिश्ता चलता रहा। कुछ दिनों बाद इनमें हो गया खट खुट, मतलब बर्तन में लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, देखा पड़ोसी इसकी वाली सही है, ये इसको सही लग गई इसको, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। समझना, फिर से ये इनकी शेटिंग थी, ये इनकी शेटिंग थी, दोनों में कुछ दिनों बाद खुट फुट हुई। कब? जब पड़ोसन वाली अच्छी आ गई, तो इनकी पड़ोसन इनको भागे, इनकी पड़ोसन इनको, दोनों ने क्या किया, पड़ोसन का एक्सचेंज कर लिया। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है, इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयंस आर एक्सचेंज टुगेदर, एक दूसरे से आयंस का एक्सचेंज कर लिया जाता है, ठीक है। पड़ोसन वाली आंटी पड़ोसी वाले अंकल के साथ शेटिंग बना ली और उनकी आंटी उनके साथ बना ली। कितना गंदा रिश्ता हमारे केमिकल में है यार, छी। चलो देखते हैं, करा के देख लेते हैं। एक केमिकल है जिसका नाम है Na2SO4, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट। दूसरा केमिकल है बेरियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं BaCl2। भैया ये देखो इनकी शेटिंग, हम इनको अलग रंग से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। और इनकी शेटिंग कहाँ भाई, इनकी शेटिंग ये है SO4, मतलब ये भाई आंटी टाइप की है, तो थोड़ा मेकअप सेकअप की रहेंगे ना। ये आंटी थोड़ी ब्लैक है यार, अच्छी नहीं लग रही है। इस आंटी को थोड़ा सा हम घंटी की तरह लिखते हैं। चलो भाई, ये तो हाँ ये अच्छी लग रही थोड़ी आंटी ना, BA। अब देखो भाई इन्होंने क्या किया, आपस में थोड़ी सी टकरार की तो ये टूट गए यानी A2+ में, और ये टूट गए होंगे SO4-2- में। ऐसे ही BA आपका टूट गया होगा 2+ में, साथ में क्लोरीन टूट गया होगा HCl- में। अब ये देखो आंटियां आपस में कर ली अपने हस्बैंड से लफड़ा, तो इन्होंने कहा ये वाली मुझे अच्छी लगती है और इसने कहा ये मुझे अच्छी लगती है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है तुम उसी के साथ रह लो। देखो भैया यहाँ पे नया प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, Na2Cl मीन्स 2NaCl+BaSO4। अब देखो आंटियाँ चेंज हुई, तो हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखो क्लोरीन किस कलर से वहाँ था, ब्लू कलर से था, ठीक है। और SO4 किस कलर से था, रेड से था, पर BA आपका क्या था, ब्लैक था। ये अंकल थोड़ा काला दिखता है यार, अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप मेकअप कर सकते हैं अंकल का। अब देखो इसमें क्या हुआ है, कंटिन्यूली आप चेक कर पा रहे होंगे आयंस का एक्सचेंज हो गया है। अगर आयन का एक्सचेंज हो जाए तो हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इनका SO4 आयन इनके साथ चला गया, इनका क्लोरीन आयन इसके साथ चला गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, आपको नींद भी आने लगा होगा, तो अब हम आज वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे 3 नए टॉपिक्स के साथ, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंड एक सबसे स्पेशल टॉपिक है जो इस चैप्टर का है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो कि आप मिस मत करिएगा। अगले लेक्चर में आप वेट करिए, आपको पूरा बाई ट्रिक भी सिखाया जाएगा और बाई कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।